ओलंपियाड यानी कि आईएमओ का ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे और देखने से पहले यार एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है और तुमसे पूछा एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस एक्स टू दी पावर -1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस एक्स टू दी पावर -2/3 -1 का वैल्यू क्या होगा। ट्राई कर रहा और कमेंट करके जरूर बताना कि तुमसे बना कि नहीं बना ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा इसका लुक अगर सेट किया जाए तो तुमको ये एक फॉर्मूला दिखेगा बालक, है ना, ये एक फॉर्मूला दिखेगा। कैसे दिखेगा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं x टू दी पावर 1/3 प्लस x टू दी पावर -1/3, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको देखो, x टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना इसको। ध्यान से देखो, इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 1/3 इंटू 2 करोगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि इसके लुक को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये जो चीज़ है x टू दी पावर, हम लोग इसे -1/3 करके पावर में 2 ज़रूर लगा सकते हैं। अच्छा, ये -1 को भी थोड़ा चेंज कर लिया जाए, अभी देखोगे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई। -1 को थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। हम बोल रहे हैं ना कि -1 को अगर हम ऐसे लिख दें x टू दी पावर 1/3 इंटू x टू दी पावर -1/3 तो क्या दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो इसको, इसको देखना x टू दी पावर 1/3, ये तो ठीक है, इसमें ये पावर निगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग x टू दी पावर 1/3 को नीचे भेज देंगे, पढ़े हो गए एक्सपोनेंट में, तो ये बन गया बालक x टू दी पावर 1/3 और ये दोनों वापस से कैंसिल होगा तो ये कंप्लीट 1 बन जाएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ यानी -1, यानी कि -1 के प्लेस पर हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं बालक। और जैसे ही ऐसा लिखे और तुमको अगर फॉर्मूला अच्छे से माइंड में फिट है तो तुम्हें याद आ जाएगा ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। अगर हम लोग x टू दी पावर 1/3 को a की तरह ट्रीट करें और x टू दी पावर -1/3 को अगर b की तरह बालक हम लोग सोचे तो तुम ध्यान से देखो, ये a प्लस बी है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस ए बी है कि नहीं है, समझ पा रहे हो क्या। तो ये पूरे को देखो, ये पूरा जो है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला पर सेट हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3 का क्यूब यानी कि a का क्यूब और प्लस, है ना, प्लस ये b का क्यूब है यानी कि x टू दी पावर -1/3 का क्यूब है ये। तो ये क्यूब, ये 3 और ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होकर ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि इतना में 3 रख के पुट करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली x प्लस x टू दी पावर -1 का वैल्यू पता लगा लें। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1 को लिख सकते हैं बालक हम लोग 1/1/x। अब यहाँ 3 पुट कर दो तो 3 + 1/3 हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि 3 10/3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 3 एलसीएम लोगे तो 3 3 = 9 + 1 10/3 आ जाएगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करे, जो ओलंपियाड एग्जाम का पीवाईक्यू हो, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस का जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, उसे ट्राई करने से तुम्हारा मैथ्स बेहतर होता है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर। जा करके उस प्लेलिस्ट को विजिट करो, बहुत सारा क्वेश्चन 100+ उसमें क्वेश्चन अपलोड हो गया बालक। एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मैथ्स जो है बालक बूस्ट होते जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।